हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअर एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी CUET PG एस्पिरेंट्स जिन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था फॉर द ईयर 2024। और गाइस आप अपने आंसर की के लिए वेट कर रहे थे, सो देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। इफ़ यू क्विकली विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET, आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस में एक नोटिस दिख जाएगा विच सेज डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज। ये पब्लिश हुआ था कल की डेट में और आज हम इसको चेक करेंगे। क्लिक ऑन दिस, सो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। द CUET PG 2024 वॉज कंडक्टेड बाई NTA अक्रॉस द कंट्री बिटवीन 11-23, 27 and 28 March 2024 इन दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप सब लोग ने तो एग्ज़ाम लिखा ही होगा। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड with the answer key may challenge the same by paying a fee of ₹200 per question challenged as a processing fee। और ये बिल्कुल होगी नॉन रिफंडेबल। तो अगर आपको कोई भी आंसर को लेकर चैलेंज करना है तो पर क्वेश्चन आपके इस चैलेंज के लिए होंगे ₹200 जो कि होंगे नॉन रिफंडेबल। दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फ्रॉम 5th of April टू 7th of April अप टू 11 PM। सो टुडे इज 6th of April, आज और कल का दिन है आपके पास। कल भी 11 PM तक का टाइम है आपके पास। तो आप जाकर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन के लिए चैलेंज करना है तो आप ₹200 पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज कर सकते हो। द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इसके जरिए आप कर सकते हो। नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी। द चैलेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम। तो आपको है ना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है जो इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। Challenges made by candidates will be verified by the panel of subject experts. If found correct, the answer key will be revised accordingly. Based on the revised final answer key, the result will be prepared and declared. No individual candidate will be informed about the acceptance, non-acceptance of his or her challenge. तो ऐसे particularly individually आपको नहीं पता चलेगा, ये collectively एक answer key जो final answer key है वो release होगी, उसके हिसाब से आपको आपके challenges को check out करना है। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए CUET PG की तरफ से, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देयर गिवन हेल्पलाइन नंबर, या फिर आप इनको इस दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हो। अगर इसको और हम स्क्रॉल डाउन करें तो प्रोसीजर क्या होगा चैलेंज या फिर चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जो कि इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आपको लॉग इन करना है आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के ज़रिए, या फिर आप लॉगिन कर सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए। सिक्योरिटी पिन एंटर करोगे तो आप लॉगिन कर जाओगे अंदर। उसके बाद आपको क्लिक व्यू चैलेंज आंसर की बटन पर क्लिक करना है। वहाँ पर एक आपको ऊपर डेडिकेटेड टैब दिख जाएगा। द ऑप्शंस नेक्स्ट टू द क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शंस स्टैंड्स फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय NTA। इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज़ एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द नेक्स्ट 5 columns बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। अगर आपको इस ऑप्शन को चैलेंज करना है तो आप सिंपली इस जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। यू मे वॉन्ट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सिलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द सिंगल PDF फाइल। आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर्ड ऑप्शन ID फॉर चैलेंज स्क्रोल डाउन एंड क्लिक सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स एंड मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। You must ensure to select all the required option before moving further. तो document upload करने के बाद आपने जो भी desired challenges किए हुए हैं वहाँ पर उसको scroll down करके नीचे submit and review claims पर क्लिक करना मत भूलना, और उसके बाद ही आप next screen पर जाना। You will see a display of question ID and option you have challenged. You may still modify your selection by clicking modify claim. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा challenges कर लिए या फिर कुछ कम challenges कर लिए, आपको कुछ चैलेंजेस को रिमूव करना है या कुछ चैलेंजेस को ऐड करना है, तो आप वहाँ पर मॉडिफाई क्लेम पर क्लिक कर सकते हो। अगेन एक और एक टैब दिख जाएगा आपको, तो उस पर जाकर क्लिक करके आप कुछ भी चेंजेस है तो वो कर सकते हो। वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑल दी ऑप्शंस फॉर चैलेंजेस यू कैन क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जितने भी चैलेंजेस आपने वहाँ पर सिलेक्ट किए हैं वो करेक्ट हैं सारे आफ्टर ऑल दी मॉडिफिकेशंस, तो आप सिंपली वहाँ पर सेव क्लेम और पे फी पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी टू सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट। तो पेमेंट करने से पहले बिल्कुल ध्यान से एक बारी वापस गो थ्रू कर लेना कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर अपलोड करे हैं, सारे चैलेंजेस आपने बराबर सिलेक्ट किए हुए हैं, और उसके बाद ही
आप अपने पेमेंट के साथ प्रोसीड करना। वंस अगेन सिलेक्ट दी मोड ऑफ पेमेंट एंड पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ 200 पर क्वेश्चन। तो 200 ईच क्वेश्चन का चैलेंज आपका होने वाला है, तो सोच समझ के आप अपने हिसाब से चैलेंज कर सकते हो। और अब जो भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनके जो पेपर्स हैं वो अच्छे गए हैं और जो उनका डिज़ायर्ड स्कोर था पर्टिकुलर कोर्सेज को लेकर वो भी अच्छा गया हुआ है, तो अभी उन्हें स्टार्ट करनी चाहिए अपने स्टेज टू की प्रिपरेशंस। सो यस गाइज, दैट वॉज द क्विक अपडेट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर सच इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।